जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार बगावत करी थी। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब वो ना तो कांग्रेस के साथ जाएंगे और ना ही बीजेपी के साथ जाएंगे। फिलहाल उनकी पार्टी का क्या नाम होगा यह अभी साफ नहीं हुआ है। चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। अब यह साफ हो गया है कि इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सरल नहीं होने वाला है। विधानसभा का चुनाव दिसंबर के अंत तक है और इससे पहले मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। अभी जुलाई में ही सीएम हेमंत सोरेन को जेल से रिहाई मिली और ठीक 24 घंटे के अंदर ही चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम बने थे और 3 जुलाई तक झारखंड के सीएम बने थे। उन्हें शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का बहुत करीबी माना जाता था। अब चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसका नाम और सिंबल क्या होगा यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। चंपई सोरेन का दर्द झारखंड के सीएम पद से हटने पर झलक पड़ा था। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने कहा था कि उन्हें थोड़ा और समय मिलता तो राज्य के विकास के लिए और भी बहुत कुछ करने की इच्छा थी। चंपई सोरेन ने कहा था कि काम करने वाले व्यक्ति की सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मैंने सीएम के रूप में अच्छा काम करने का प्रयास किया। हमने सभी जाति समुदाय के लोगों के लिए कई तरह की योजना लाए। मैं कम समय में जितना कर पाया उससे मैं संतुष्ट हूँ। चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बात भी हुई थी। जेएमएम के कुछ विधायक भी उनके संपर्क में थे। हालांकि बीजेपी के साथ उनकी कोई बात नहीं बनी। वापस झारखंड आने के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। चंपई सोरेन का कहना है कि उनके पास 30 से 40 हज़ार कार्यकर्ता हैं। ऐसे में नया संगठन बनाने में क्या जाता है और सबको एक हफ्ते में पता चल जाएगा। चंपई सोरेन सीएम पद से हटने के बाद से नाराज है और यह भी पता चलेगा कि उनके साथ कितने विधायक हैं। थैंक यू।